नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में नगर निगम ऋषिकेश के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश के विकास के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है, अगले वर्ष तक यह धनराशि मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से हम ऋषिकेश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। यह धनराशि यहाँ के सीवर और स्वच्छता कार्यों में खर्च होगी। मुख्यमंत्री ने कृष्णा नगर कॉलोनी और खांडगांव विस्थापित क्षेत्र की भी नगर निगम में शीघ्र शामिल किए जाने की घोषणा भी की है। अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम ऋषिकेश के लिए 10 कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं नगर निगम की विकास पुस्तिका संकल्प से शिखर की ओर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिन्नानंद सरस्वती महाराज, श्री राम तपस्थली आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी दयाराम आदि मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए देहरादून से आनंद प्रकाश की खास रिपोर्ट।